मैं अभी नाइट से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। अभी हो रहा है 7:20। मोमो क्या कर रहे, देखिए इस टाइम मोमो पढ़ते हैं, मोमो को पढ़ाना पड़ता है मुझे। मोमो क्या कुछ तो बोलो। अभी मैं पढ़ रहा हूँ? पढ़ रहे। हेलो हाँ एवरीवन, आज मैंने ब्लॉग नाइट से ही शूट कर चुकी है क्योंकि मैं अभी मोमो को पढ़ा रही थी, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाऊँ। तो मैंने उस मतलब फ्राइडे को जो ब्लॉग डाला था ना, तो मैं थोड़ा टेंशन में हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ हाफ लोग में फंस रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही मतलब लैंडस्लाइड हो चुका है। तो यहाँ पूरा ट्रेन लीक वगैरह, बस रास्ता पूरा ख़राब हो चुका है। तो इसके चलते मेरा हस्बैंड नहीं आ पा रही है पूरा। अभी 15 नेक्स्ट वो संडे को गए थे। संडे कब थे, 8 तारीख को थे। हाँ 8 है क्या, हाँ 8 तारीख को गए थे क्योंकि अभी तक नहीं पहुँचे वो। मतलब वो ठीक है, सेफ है, सेफ ही जगह में है। तो उन्होंने वीडियो थोड़ा सा बना के भेजा था, तो मैंने आपको शेयर किया। वो वीडियो भी मैंने बताया नहीं था, अभी सोच रहा है मैं आप लोग से शेयर करूँ। तो वो आएंगे, वो संडे को रास्ता ठीक हो जाएंगे तो रास्ता खुलेंगे, तो संडे को आके फिर यहाँ कुछ काम है। वो बाहर बाहर ही जाएंगे, यहाँ से तेजपुर बोल के जो आसाम नोटिस में जानते हैं तेजपुर कहाँ है, वहाँ जाएंगे, उसके बाद ही घर आएंगे। तो और मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को अगर जो भी देखते हैं अच्छा लगते हैं तो मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और कमेंट करके एटलीस्ट कोई होते हैं नए नए, कमेंट करने के बाद बोलते हैं जल्दी से आ जाओ मेरे घर। मैं जाती हूँ, जाऊँगी ज़रूर ज़रूर। मैं पक्के वाली फ्रेंड बनाती हूँ हर किसी को, और मैं वीडियो भी फुल फुल करती हूँ। अभी मैं मुझे अभी टाइम नहीं मिलता क्योंकि इतना टाइम में हर किसी का प्री होता है, तो मैं प्री में नहीं जा सकूँगी, नहीं जा पाती हूँ। तो लेकिन मैं फुल वॉच करती हूँ, तो इसके बाद कॉमेंट देती हूँ। तो आप लोग भी वैसे ही कीजिएगा क्योंकि मैं मोमो को ट्यूशन नहीं देती हूँ, मैं घर पर ही पढ़ाती हूँ। तो मुझे उनको भी टाइम देना है, बेटा है तो हमेशा 24 घंटा तो YT में लग के नहीं सकेंगे। जब टाइम मिलते हैं तो मैं जाती हूँ, जब मेरे पास फ्री टाइम होते हैं तो मैं सुबह भी मोमो को स्कूल लग रख के आती हूँ। तो मैं देखती हूँ, हर किसी के घर जाती हूँ, देखती हूँ अच्छा से। और एटलीस्ट जो नए आते हैं वो लोग बोलते हैं मैंने आपको डन किया, डन तो करते नहीं है, होते नहीं है, तब भी बोलते मेरे घर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एटलीस्ट प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। मतलब हाँ मैं भी, मुझे पता है ये मेरे घर आए, एक वीडियो में आते हैं बोलते हैं मैंने डन किया, तो नेक्स्ट वीडियो में नहीं आते। आप लोग आइए तो इसके बाद मैं आप लोग के घर जाऊंगी। एटलीस्ट मैं तो किसी के घर, अगर मैंने किसी नए फ्रेंड बनाए, मैंने YT में अगर मैं कभी एक वीडियो देखते रहती हूँ तो कोई मुझे वीडियो आ गया, तो मैं उनके घर जाके कॉमेंट भी छोड़ देती हूँ। तो उनका मर्जी है वो आए या ना आए, पर मैं फिर उनको वो नहीं कर देती हूँ, अनसब्सक्राइब नहीं करती हूँ। मैं देखती हूँ अगर वो मेरे घर आते हैं तो मैं जाती रहूँगी जाती रहूँगी। तो उनको भी रियलाइज़ होगा हाँ ये मेरे घर आते हैं तो मुझे बेक करना है। तो मैं भी सोचती हूँ, मेरा जो भी नए फ्रेंड्स लोग हैं आप मेरे घर में जब आएंगे ना, आपके कमेंट मिलेंगे, तो मैं साथ ही साथ नहीं जाऊँगी। मुझे वन डेज टाइम दीजिएगा या 2 डेज, तो मैं आपके घर ज़रूर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, आपकी वीडियो फुल वॉच करूँगी, आपको ढेर सारा सपोर्ट दूँगी मेरे तरफ से भी। तो मोमो खाएंगे बोले चॉकलेट, अब मैं उसे चॉकलेट छील के दे रही हूँ। और मेरे वीडियो पे बनी रहेगा, मैं सुबह आप लोग से फिर मिलती हूँ। अभी नाइट हो चुका है, मैं इनको पढ़ाऊँगी, पढ़ा रही थी तो बीच में बच्चे लोग थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाते ना, तो थोड़ा सा ऐसे कुछ कुछ चॉकलेट वगैरह दे के थोड़ा सा प्यार से पढ़ाती हूँ। इसके बाद फिर पढ़ाऊँगी, इसके बाद फिर खाना वगैरह, इसके बाद सोने से आगे मुझे फिर किस किस का वीडियो आया मुझे वो पूरा वॉच करना है। तो बने रहेगा। ओके देन बाय, कल सुबह मिलती हूँ गुड मॉर्निंग के साथ। कैसे है? मैं भी अच्छा, अच्छा भी अच्छा। गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। आज मैं तो मॉर्निंग में वीडियो नहीं किया, सॉरी। मैं तो पढ़ रहा था इधर में, अभी मैं स्कूल जाऊँगा। मैं खाना खाया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज मैंने बोला था सुबह से ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि सुबह से ब्लॉग बनाना टाइम ही नहीं मिला क्योंकि इनको सुबह उठ के पढ़ना पड़ता है, मुझे ब्रेकफास्ट इनके लिए बनाना पड़ता है, फिर टिफ़िन रेडी करना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। इसके चलते मेरे आपको शूट नहीं किया। आज मोमो का ड्रेस ये है, सटरडे इनका वाइट पेन है सटरडे, लेकिन यहाँ स्पोर्ट चल रहे हैं अभी, स्पोर्ट का भी ड्रेस थे, कल बारिश थे तो पूरा कपड़ा गंदा हो चुका है, तो अभी आज वाइट लगा के जाएंगे तो और भी बर्बाद। तो ये ड्रेस पेन लगा के दे दिया मैंने, तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। अभी मोमो को स्कूल छोड़ने जाऊंगी। मो स्कूल जाके क्या करेगा? मैं खेलूंगा।
हाँ खेलूंगा पढ़ूंगा टिफिन खाऊंगा। देखिए गाइस इनका पापा नहीं है, इनका पापा का बाइक यहीं पड़े हुए हैं। और ये रहा मेरा मालिक, ये जहाँ रेंज में रहते हैं मालिक, क्या बोलूँ इनका स्कूटी। और यहाँ पुष्का वाला भी रहते हैं, देखिए पानी पूरी। और यहाँ अलग किसी का बाइक लोग, यहाँ देखिए पानी गिर रही है। डॉगी बाय बाय, हाँ ये हमारे रास्ता, हम लोग जा रहे हैं। देखिए मोमो बच्चों, इसका स्कूल का नाम है क्या है, ब्लू मॉन्ट स्कूल। अब हमें वो रास्ता पार करना है, रास्ता क्रॉस करना है। तो यहाँ पास पास में देखिए बड़े बड़े दो तरफ भी बिल्डिंग है, घर वगैरह। ऐसा है यहाँ का नज़ारा। अभी हमको रास्ता क्रॉसिंग करना है। सुबह अभी 8:25 हो रहा है, तब भी इतना भीड़ होते यहाँ। देखिए मोमो भाई, मेरे मोमो तो कुछ भी नहीं बोलते, बोरिंग लड़का ही है, बोरिंग। के तब हॉन हम लोग स्कूल, मुझे दोस्त बहुत पसंद है। दोस्त, इनको दोस्त बहुत पसंद है। ओके गाइस इतना था आज का ब्लॉग, मैं आपसे इतना ही मिलती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे अभी रास्ता क्रॉस करना है, रोड क्रॉस करना है। तो देखिए यहाँ ऐसा है, अब मम्मो को लेके रास्ता क्रॉस करना है मुझे, रोड क्रॉस। तो ओके देन बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली, लव यू ऑल। मम्मो कुछ बोल दो।